कनाडा प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की शानदार कारकर्दगी 3 फिफ्टियों के साथ 3 फतूहात भी अपने खाते में दर्ज करवा ली। मोहम्मद रिजवान की कनाडा प्रीमियर लीग में क्या परफॉर्मेंस है, मोहम्मद रिजवान ने कितनी 50 की, कितने मैचेस जीते, ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में फराहम की जाएंगी। वीडियो को मजीद सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त फेसबुक पर देख रहे हैं और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया वो फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए ताकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हो कि पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका की टेस्ट सीरीज के इख्तिताम के बाद पाकिस्तानी विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान कनाडा रवाना हो गए थे और कनाडा प्रीमियर लीग में शमूलियत से। इससे कबल सेकंड टेस्ट मैच में सरफराज अहमद को सर पर बॉल लगने से मोहम्मद रिजवान की टेस्ट क्रिकेट में दोबारा एंट्री हुई थी और मोहम्मद रिजवान ने अपनी 50 रन कंप्लीट की थी और पाकिस्तान की फतूहत भी उसमें शामिल थी। उसके बाद वो कनाडा प्रीमियर लीग पहुंच गए। कनाडा प्रीमियर लीग में उन्होंने 2 मैचेस खेले, दोनों मैचेस में शानदार अंदाज से 50 की मोहम्मद रिजवान ने और दोनों मैचेस में फतह हासिल की। इससे पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने अपनी 50 मुकम्मल की और पाकिस्तान को फतह मिली। इससे लास्ट 3 मैचेस में मोहम्मद रिजवान ने तीनों मैचेस में 50 स्कोर की और मोहम्मद रिजवान को फतह मिली। तो मोहम्मद रिजवान की इस कारकर्दगी से आप कितने ज्यादा खुश हैं और मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड कप में इस कारकर्दगी को कंटिन्यू रखेगा या नहीं रखेगा, इसके बारे में अपनी राय का इजहार आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नई आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।